नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूँ आपके साथ ऋचा वर्मा। माँ गंगे की द्वारा 2 अप्रैल सन 2023 को नमामि गंगे के विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने ब्रह्मपुर गंगा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अभियान चलाकर जागरूक किया गया और कहा कि माँ गंगा में किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा आदि न डाले और न ही डालने दे, जिससे माँ गंगा का जल दूषित हो जाए। इसी के साथ गंगा में जली लकड़ी, पत्तल, पॉलिथीन आदि सामग्री न डाले। गंगा में गंदगी को रोकने के लिए जगह जगह अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अमरोहा जिले के नमामि गंगे 8 वर्ष से निरंतर हर रविवार को माँ गंगा के द्वार स्वच्छता अभियान चला रही है। जिला संयोजक संजय सिंह, जिला संयोजक ठाकुर लाखन सिंह के निर्देशन में लगातार स्वच्छता अभियान चलाते आ रहे हैं। यह स्वच्छता अभियान आगे भी अलग अलग घाटों पर चलता रहेगा। टीम में उपस्थित रहे जिला सह संयोजक ठाकुर लाखन सिंह, गंगेश्वरी ब्लॉक संयोजक रामकेश सिंह, गजरोला ब्लॉक संयोजक लोकेश चौधरी, ओम शरण, सुरेश राणा, कल्याण सिंह, बिजना देवी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इसी के साथ सभी को गंगा को स्वच्छ साफ सुथरा रखने के लिए लोगों से अपील की। हर हर गंगे, नमामि गंगे। माँ गंगा के पावन तट पर उपस्थित सभी गंगा भक्त, टीम गंगा विचार मंच, नमामि गंगे गंगा विचार मंच, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जो स्वयं सेवी हैं, यहाँ आज माँ गंगा के तट पर उपस्थित हुए। जो नवीन पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर कुछ समय से काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ रही है, और भीड़ का कारण होने से यहाँ जो तट है, माँ गंगा का पवित्र तट है, उस पर कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा सामग्री छोड़ी जाती है, और उससे जो यहाँ तट पर गंदगी पसरी हुई है, उसी के मद्देनज़र आज हमारी टीम जो स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, उसी कार्यक्रम के तहत आज हमारी टीम जनपद अमरोहा की महिला और पुरुष दोनों ही सिंहों ने अपनी कमान को संभालते हुए जिले के जिला सह संयोजक ठाकुर लाखन सिंह के नेतृत्व में यहाँ एकत्रित हुए। चौधरी लोकेश जी, गजरौला ब्लॉक संयोजक, गंगेशी ब्लॉक संयोजक, सभी अपनी अपनी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुए और अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए माँ गंगा के पवित्र तट को स्वच्छ और साफ बनाने में अपना योगदान दिया। हर हर गंगे, नमो नमः। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।